कभी आपने राजस्थानी मलाई प्याज के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना? मैं आपको आज बना के बताता हूँ। इसे भी आप बैचलर वाली सब्जी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी फटाफट झटपट तैयार हो जाती है और इसमें कोई ज्यादा झंझट भी नहीं है। चलिए फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर डालिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तेल। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बेबी अनियन ले रखे हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मीडियम प्याज ले लीजिए, उसके 4 पीसेस कर लीजिए बस। लेकिन अभी डालने नहीं है, अभी तो मैंने आपको बताए हैं। आपका तेल जब गर्म हो जाए तब तड़का लगाना है आपको इसमें जीरे का, और जीरे के साथ साथ 1-2 पत्ते आप तेज पत्ते के डाल दीजिए। उसके साथ काली मिर्च भी 5 से 6 नंबर की डाल दीजिए। ये तो हो गए खड़े मसाले। उसके बाद आपको जिंजर डालना है कद्दूकस किया हुआ, अगर चाहें तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसे आपको सौते करना है। जिंजर तकरीबन 10 सेकंड के बाद अपनी खुशबू छोड़ने लगेगा, बस आप उसी टाइम इसमें ग्रीन चिलीज डालिए स्लिट करके, और उसके साथ साथ रेड चिलीज भी। फिर बारी है हमारे बेबी प्याज की। मैंने आपको पहले भी बताया ना, मीडियम प्याज भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका 1/4 करना पड़ेगा। अब इन प्याज को आपको सौते करना है 1 से 1.5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि बहुत ही कम है, घर में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इस रेसिपी में सिर्फ 4 मसाले जाएंगे। एक जाएगा कोरिएंडर पाउडर, एक जाएगा हल्दी पाउडर, एक जाएगा रेड चिली का पाउडर, और सबसे आखिर में जाएगा गरम मसाला बस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब बारी है इसके अंदर मलाई डालने की। अगर फ्रेश मलाई आपके घर में स्टोर हुई हुई है ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम से भी ये बन सकता है। इतनी मलाई को स्टोर करके रखना बल्क के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफी दिन लग जाते हैं, लेकिन मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलती है, तुरंत बन जाएगा। अब इसे आपको अच्छी तरीके से मिलाना है, और इसमें जब तक बॉईल नहीं आता ना, जब तक इसे चलाते रहना है। एक बार जब इसके अंदर बॉईल आ जाए तब आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक। खुशबू के लिए डालनी पड़ेगी कसूरी मेथी, और ये देखिए ये है मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मावा। मार्केट में ये भी आराम से मिल जाएगा आपको, चाहे फ्रोजन मिले या फिर फ्रेश, कोई भी मिले डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, कवर लगाइएगा और इसे पकने दीजिएगा। 3 से 4 मिनट जब आप ढक के पका लेंगे ना, तब देखिएगा ऑयल छूट जाएगा और ये कलर छोड़ देंगे मसाले। उसके बाद फाइनली आपको इसमें डालनी पड़ेगी थोड़ी सी शुगर। अब इसे अच्छे से फिर से मिक्स करना है आपको। गार्निशिंग के लिए डालना है आपको फ्रेश 1.5 सारा धनिया। आपका मलाई प्याज एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा तड़क बड़क खाने वाले हैं ना, तो एक तड़का और लगाइएगा इसमें। कुछ नहीं करना, तेल को गर्म करना है, रेड चिली डालनी है और बस।